आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आंबेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल कर्नाटक से बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने संविधान संशोधन की बात कही थी। आगे उन्होंने कहा था कि भाजपा को राज्यसभा में 2/3 बहुमत और एनडीए को 400 से अधिक सीटें जीतने की जरूरत है। दोस्तों, अब इससे सवाल उठता है कि यानी अगर एनडीए सत्ता में आती है तो संविधान में संशोधन निश्चित है। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी निशाना साधते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी का अंतिम लक्ष्य बाबा साहब के संविधान को नष्ट करना है। वहीं अब राहुल गांधी के इस बयान पर निशाना साधते हुए कल पीएम मोदी ने राजस्थान के बाड़मेर रैली में कहा, जहां तक संविधान का सवाल है आप मानकर चलिए और मोदी के शब्द लिख कर रखिए, बाबा साहब खुद आ जाएं तो संविधान खत्म नहीं कर सकते। वहीं दोस्तों, अब पीएम मोदी के इस बयान को लेकर लोग कह रहे हैं कि अब की बार मोदी जी ऐसा संविधान बदलेंगे कि अब उसे दोबारा कोई बदल नहीं पाएगा। सोशल एक्टिविस्ट हंसराज मीना ने पीएम मोदी के इस बयान पर कहा, मैं पुराने संविधान को बदलकर मनुस्मृति वाला संविधान बनाऊंगा जिसे स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर भी आकर खत्म नहीं कर सकते। क्या घमंडी नरेंद्र मोदी यह कहना चाहते हैं? कम्युनिस्ट दीपांकर पीएम मोदी के इस वीडियो पर कहते हैं, संविधान निर्माता का नाम संविधान खत्म करने वाले के रूप में ऐसा अहंकार तो मोदी जी ही दिखा सकते हैं। बाबा साहब ने सही कहा था कि संविधान किन लोगों के हाथ में है उसी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। संविधान को संविधान विरोधियों के चंगुल से मुक्त करना ही होगा। मोदी हटाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। फिलहाल दोस्तों, आप पीएम मोदी के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? आप इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। और ज़्यादा ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए टारगेट न्यूज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।